तो हर हर महादेव मेरे सारे भाई, आप सब लोग कैसे हैं? तो आपका मेरे चैनल से स्वागत है, हिमांशु अग्रवाल। तो भैया, होली ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट गर्मी आ गई, सारे सीज़न ख़त्म हो गए, और अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ कम करनी है और क्या एम है अब की बार मेरा। तो मैं मेरी ये दिखाई दे रही, इसको कह लो, और थोड़ा सा फैट ये वाला कह लो, ये चीज़ अब की बार ये कम करना है। और लेग्स तो भी क्या दिखाऊँ, लेग्स तो बाहर दिखाऊँ, और ऐसे कुछ बॉडी कंडीशन देख लो। क्या मन है कि 15-20 दिन गेनिंग करके फिर डाइटिंग, मतलब कि और एब्स लाने का मन है ये, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ऑफिस नहीं जा रहा, कोई भी चीज़ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बॉडी की। तो अब ढंग से इसे बनाएंगे, और अभी सो कर गया हूँ, जो और बातें हैं वो गाड़ी में बैठ के करूँगा। बस थोड़ा बहुत गर्म पानी पी लेता हूँ और सीधा फिर जिम की तरफ चलता हूँ, क्योंकि रास्ते में खाऊंगा जो खाऊंगा। और तो जितनी भी बातें सब बाद में करेंगे, बस बॉडी दिखा दी उसमें, तुम्हें वो तुम्हें दिखा दी, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। चलो लो भाई, गाड़ी में बैठ के निकल गया हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ भाई, 9 बजे सुबह तो तुम्हारे भाई को लगने लगे गर्मी, तुम्हारा भाई आज से पहले एसी की सर्विस करवाएगा, और आज एसी आज से चालू कर देगा। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे भाई का लेफ्ट वाला कान, इसकी सीट बेल्ट, लेफ्ट वाला जो कान है पता नहीं, वो तो कल से बंद पड़ा हुआ है और आज सुबह से ज़्यादा। तो हाँ, बेसिकली मैं क्या कह रहा था, तो भाई अपनी 10-15-20 दिन की करेंगे गेनिंग ढंग से, उसके बाद कटिंग करेंगे, और कटिंग में भी आप पूरा जोर लाएंगे जितनी हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई, उसमें उसके बाद तो काफ़ बिल्कुल ही बंद करनी पड़ती है। क्या मेरा मन है कि एक बार ऐप्स ला के देखूँ, क्योंकि जब कटिंग करूँगा उसके बाद जब गेनिंग करूँगा तो ब्रॉड लगूँगा ये। और बेसिकली भाई मेरे को ना कोई कॉम्पिटिशन है ना कोई कुछ, बस मेरे को अपनी फिजिक मेंटेन करनी है कि हाँ, और जब एक अच्छी फिजिक बन जाएगी तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, फिर सुबह अपना जिम, मतलब शाम को सुबह अपना ऑफिस, शाम को अपना जिम, बस फिर उसको मेंटेन करने में ध्यान रखूँगा जो। और देखना, 3 दिन 2 दिन हो गए, आँखें पूरी लाल पड़ी हैं दोनों, पता नहीं क्यों, क्या कह रहे। तो अभी निकला नहीं है तो मतलब कुछ खाया है नहीं, तो तुम्हें पता ही है, अपना 5 अंडे और जूस। अब आज से अपनी डाइट पूरी ऑन टाइम रहेगी भाई, और जो जो हो सके वो दिखा दूंगा, क्योंकि क्या होता है भाई, जब क्योंकि मैं वो राइस और वो पनीर तो जिम में ही खाता हूँ, तो जब सब बैठे होते हैं तो जब 15-20 सेकंड के लिए क्लिप खोलना फिर बेकार लगता है। तो ये होता है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे 2 मील तो मैं जिम पे पूरी कर लेता हूँ, ये तो प्रोटीन की भी और दूसरी अपना राइस की, तो वो हो जाता है। तो अपना भी चाहेंगे 5 अंडे और जूस लेंगे, और अब ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, सुबह अपना कार्डियो, मतलब सुबह अपनी जिम वेट ट्रेनिंग वाली, शाम को अपना कार्डियो। वैसे कुछ लोग बोलेंगे भाई सुबह करनी चाहिए, पर भाई सुबह ना मैंने शेड्यूल बना के देखा है, क्योंकि मेरा बन नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जिम मेरे घर से और मोस्ट ऑलमोस्ट 15-20 मिनट ही है, और कभी कभार आधा 1 घंटा लग जाता है, जैसे कि अंडे खाऊंगा तो इसलिए जाऊँगा, तो इसलिए। और वेट ट्रेनिंग भाई मेरे को करता हूँ मैं जिम अकेले, वर्कआउट ये ईजिली है, पर क्या रहता है अपनी जिम में और अपने आस पास सराउंडिंग जब रहती है तो मन करता है कि यार यहीं कर लिया करो भाई, गर्मी लग रही है। तो ये बात है, शाम को ये है कि शाम का दूसरा ग्रुप है, उनकी जिम में जाके कार्डियो कर लेंगे, इसलिए क्योंकि कार्डियो यार ज़रूरी है। बस जो बंदा, मेरा मानना है जो बंदा कार्डियो नहीं कर रहा ना और बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो उसे कभी ना 100-200 मीटर भगा के देख लेना, कभी पता जाएगा उसकी हालत, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले। मैं बिल्कुल फिट फोट था, तो मैं बिफोर आफ्टर एक कभी डालूंगा स्टोरी, जब मैं आज से 5-6 साल पहले मैं ऐसा था बिल्कुल, जैसे ये हाथी मतलब उंगलियाँ इतनी पतली, फिर बीच में बहुत खाया, बहुत उठपटांग, मतलब बीच में तो कई अरसा सा हो गया था घर का खाना ना देखे देखे, इसलिए। तो अपना आज अपना पूरा मूड, नींद आ रही है, नींद आनी नहीं चाहिए यार, मैं 8 बजे सो रहा हूँ मैं रात के, कल से पता नहीं क्यों आ रही नींद। तो क्या कह रहा था, हाँ तो मैं ये कह रहा था, मीठा बिल्कुल बंद है आज से, घर की रोटी जब मन करेगा थोड़ी बहुत जब खाएंगे, और अपना सिर्फ चावल और प्रोटीन पर रहेंगे, प्रोटीन जैसे कि पनीर हो गया और अपने अंडे हो गए और अपने ये वेजिटेबल्स होगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी जब रहेगी, अब अवॉइड करना पड़ेगा बाहर घूमना और कहीं ना जाना, बस सिर्फ सैटरडे को मिक्स करके अपनी, तो अपनी आराम से मिक्स करके के बाद फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे दोस्तों के साथ, थोड़ी बहुत लाइफ भी इंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं अब।
तो भाई अपने 5 अंडे आ गए हैं, और पहले मैं जूस भी लेता था, जूस इसलिए छोड़ दिया लेना कि भाई वो ऑलमोस्ट यार कभी खट्टा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चीज़ होने लग गई थी। तो मैंने किया जूस लेना छोड़ देते हैं, फिर लिक्विड भी बॉडी में जाता ना तो सुबह सुबह फैट ना पेट ऐसा लगता था, क्या कहते हैं तो फूटने को नहीं होता ऐसा होता। चलो 5 अंडे खा लेते हैं और जिम की ओर चलते हैं। तो लो जी भाइयों, जिम आ गई है, अब करेंगे वर्कआउट शुरू। ठीक है, जिम से निकल गया हूँ। प्रोटीन और अपना चावल पनीर खा लिया था बस, और अभी पहले मैं कहता ना ड्रेस ड्रेस का ना भी ले जाऊँगा ऑफिस की, तो वो तो नहीं जा रहा क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले जो मेरे पास पुराने रखे हुए ना कपड़े वो लेके जाऊँगा, बोलूँगा कि समथिंग ऐसा कुछ सीन है तुझे ढंग से, इसलिए क्योंकि मेरे को ना चीज़ें खुली खुली बहुत पसंद लगती हैं। तो मैं कि कल उसे ले लूँगा, कल दे दूँगा फिर नाप जो। तो अभी ऑलमोस्ट घर पहुँचते हैं, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे थोड़ा स्नैच करेंगे, शाम को अपना फिर कार्डियो करना चलेंगे, है ना। तो भाई देख लिया तुमने, चावल आ गए और सो के उठ गया हूँ ऑलमोस्ट 3 बजे, 3 से 17 हो गए। कान का जो दर्द जो नहीं चला था वो चल चुका है, और शोल्डर लग रहा था, शोल्डर का पंप दिया तुम किस आ रहा है, और पता नहीं आंखें लाल हो रही हैं किस वजह से ये समझ नहीं आ रहा, कभी लाइफ में मिला के ला लिया। चावल आलू खाते हैं और फिर शाम को चलते हैं कार्डियो करने, है ना। चलो थोड़ा सा सो के उठ गया हूँ, और मतलब उठ तो गया था, खाना वाना खा लिया, थोड़ा कार्डियो करने लेट जाऊँगा आज, अब आ गया था। देख रहे हो कैसे लग रही गाड़ी आगे चलती है, मर्सिडीज यार लग रही है ना। तो स्पेशल इसलिए उठाऊँ भाई गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे कुछ भी नहीं खिलाया था, और गाड़ी में सामान सारा रखा हुआ था, तो मैं ये गाय को खिला देता हूँ क्योंकि फिर जब कार्डियो करने जाऊँगा अगर लेट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो स्पेशली जब भी आ गया था मैं, चल जब के बाहर नीचे जा रहा हूँ तो गायों को फिर खिला भी दूंगा।
चलो चलते हैं गायों किराने, ब्रेड तो ले लिए। घेर दी ना, अरे खा भी रही है, चबा तो ले। ये मेरे घर के हैं, मिल गए भाई मुझे। ओ आराम से चबा रही है मैडम। बेटे पूरा रोड बंद कर रखा है हमने। ओ बोले रहे। इधर से ले लो, निकल जाएगी ना। लोगों को खाते हुए जीव दिखाई नहीं दे रहा, जीव खा रहा है। ले वो मेरी कमर, ओ भोले भोले कमर बोल गई मेरी। ले पकड़, कमर बोल गई मेरी तेरी वजह से। चलो तो लो भाई, फाइनली खिला दिया, अब चलते हैं घर। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मन नहीं है, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं भगवान जाने कैसे। तो उसके बाद जाऊँगा फिर कार्डियो करने। चलो गायों को खिला दिया भाई, और ऑलमोस्ट अब डेली खिलाऊँगा, कुछ हो जाए। यार जब कहीं के साथ निकल जाता हूँ ना, जब थोड़ा दुख लगता है, फिर रात को ना मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, पर रात को फिर मुझे गाय नहीं मिलती कहीं भी। फिर डॉगी मिलते हैं, तो मैं स्ट्रीट डॉगी को अपने, मेरे घर के हैं दो जो मेरी गाड़ी के नीचे सोते हैं, जिन्होंने मेरी दोनों गाड़ियों पर अपने घर बना रखे नीचे, इसलिए। चलो चलते हैं फिर। तो लो जी भाइयों, अपना रेस्ट पूरा हो गया, और तुम्हारा भाई जा रहा है अब कार्डियो करने। ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो मैं टाइम दिखाता हूँ पहले तुम्हें। 7:30 हो गए, तो चलते हैं जिम पे और अपनी कार्डियो कंप्लीट करते हैं 1.5 घंटे की। 1 घंटे तो ऑलमोस्ट करेंगे यार, पेट अब बिल्कुल उड़ा दे रहा है। और खाने में मैंने यार पनीर सैंडविच मंगा लेता घर पे ही, डाइट वाले, तो मैं वो ही खा लेता, बस उसी को करके खा के अपना कार्डियो करना चल रहा है। चलो मुझे हो रहा बात। तो भाई देख लो, लास्ट अपनी मील फ्रूट्स, और अभी नहा के जस्ट निकला हूँ क्योंकि गर्मी आ गई ना ज़्यादा। और टाइम देख लो 11:02, फ्रूट्स खाऊंगा और अपना फिर आराम से रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, थोड़ी सीरीज़ देखूँगा इसलिए। तो भैया सुबह अपनी करी थी, आज हमने क्या करी थी भूल गया मैं, शोल्डर करी, शोल्डर देखो ये। तो चलो ब्लॉग को करते भाई यहीं एंड। खुश रहो, खाते पीते रहो, और हर हर महादेव। अब पूरा जोर है एप्स पे, ठीक है, मस्त रहो, हर हर।